आइए इस वीडियो में मैं आपको अद्धा ताल, जिसको कि अद्धा तीन ताल या पंजाबी ठेका भी कहा जाता है, वो बजाना सिखाता हूँ। इस लेसन वीडियो के बाद अगली वीडियो में मैं इस ताल को किसी शब्द भजन या गाने के साथ बजा के भी आपको दिखाऊंगा। इस ताल की 16 मात्राएं हैं और इसके जो बेसिक बोल हैं वो हैं धा धिन धा धा धिन धा धा तिन ता ता धिन धा धा। ये इसके बेसिक बोल हैं जो किताब में लिखे हुए भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको इसका वो रूप सिखाऊंगा जो एक्चुअल में हम स्टेज पे बजाते हैं। जो बोल हम एक्चुअल में बजाते हैं वो है धा ग धिन त धा 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 ग धिन त धा धा क तिन त ता 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 ग धिन त धा धा। इसको मैं 2-4 बार पहले बजाता हूँ, आप इसको सुन लीजिए। 1 2 3 स्टार्ट। इसके भी तीन ताल की तरह चार हिस्से हैं, चार पार्ट्स हैं। तो पहले चार मात्राएं हैं धा ग धिन त धा, धा ग धिन त धा। और इसके बाद अगली चार मात्राएं हैं धा धा ग धिन त धा। उसके बाद धा क तिन त ता और आखिरी चार मात्रा धा। इसमें खास बात है कि लेफ्ट हैंड को हम कैसे यूज करते हैं। अगर इसको हम इसकी दाब गांठ का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये इतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर इसको ऐसे सिंपल बजाएं तो ये उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि जो हम लेफ्ट हैंड को प्रॉपर यूज करके बजाते हैं कि इसको कैसे कहाँ पे दबाना है कहाँ पे छोड़ना है। ये सुनिए। इसमें खास बात है कि लेफ्ट हैंड को यूज कैसे करना है। सबसे पहले जो पहली चार मात्राएं हैं उनमें पहला धा जो है उसको थोड़ा सा ऐसे दबा के और थोड़ा रगड़ के धा ग धिन त धा, धा ग धिन त धा। त ऐसे बजाएंगे त धा। अगली चार मात्रा धा धा ग धिन त धा, ये धा धा, ये दोनों को रगड़ के ऐसे धा धा ग ग पहली उंगली से धा धा ग धिन त धा। तो पहली 8 मात्रा हो गई धा ग धिन। उसके बाद धा क तिन त ता 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 ग धिन त धा। इसके लिए आप ओनली लेफ्ट हैंड की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो पहली चार मात्राएं हैं उनमें ऐसे यूज हो रहा है, ये पहला रगड़ के, उसके बाद ग जो है उसको थोड़ा ढीला धा ग धिन धा, ये धिन ऐसे लूज बजा के ऐसे दबाते हुए जाना है और ला।
था अभी ऐसे लूज है। और धीरे करके अगली चार धा धा ग धिन धा। जो बाएं का यूज है इसमें, इसको दबाना और छोड़ना पूरे तबले में ही, ये इसमें फीलिंग्स भरता है। इसका दबाना और छोड़ना अगर नहीं पता तो वो तबला बेरस हो जाता है। तो ये कैसे आता है? सबसे पहले तो इसके लिए अच्छा सुनना चाहिए। सुन सुन के ये इसकी दाब गांठ जो है वो हमारे दिमाग में बसती है और उसके बाद हमारे हाथों में आती है। कुछ टेक्निक्स तो हम बता सकते हैं लेकिन ज्यादा ये सुनने से ही पता चलता है। जितना अच्छा आप सुनते जाओगे उतना ही अच्छा आपका बायां होता जाएगा। उम्मीद है आपको लेसन समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट वीडियो है वो भी ज़रूर देखिए।